नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज ये वीडियो जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये उस टॉपिक पर है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो क्या आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। देखिए, इस प्रश्न के जवाब से पहले आपको एक चीज जरूर समझनी पड़ेगी कि आखिर मंगल दोष होता क्या है। यदि कुंडली के अंदर आपके लग्न में फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में यदि मंगल है तो आपकी कुंडली मांगलिक बनती है। और चंद्र कुंडली से यदि आप देखते हैं और उसमें भी यदि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और बारहवें भाव में मंगल है तो वो कुंडली कहलाती है डबल मांगलिक। अब जैसे ही किसी व्यक्ति को यह पता चलता है कि उसकी कुंडली में मांगलिक योग है या मांगलिक कुंडली है तो मां बाप बड़ी चिंतित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद एक बहुत बड़ी कमी उनकी कुंडली में रह गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के लिए मांगलिक कुंडली नुकसानदायक नहीं होती है। जब तक कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति मारक की ना हो तब तक आपकी कुंडली अगर मांगलिक बनती भी है तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि कई कुंडलियों में तो यदि वो कुंडली मांगलिक है तो ये उस व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। मान लीजिए यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली है और फिर मंगल दोष बन रहा है, मैं दोष नहीं कहूंगा यहां पर, मंगल योग बन रहा है या मांगलिक कुंडली बन रही है, तो ये तो उस जातक के लिए और भी अच्छी बात है क्योंकि लग्न का स्वामी मांगलिक कुंडली बनती है और वृश्चिक लग्न की कुंडली है या मेष लग्न की कुंडली है और लग्न का स्वामी मंगल यदि चौथे भाव में, सप्तम भाव में, लग्न में, अष्टम में या द्वादश भाव में बैठा है तो ऐसे में लग्न के स्वामी का इन स्थानों पर होने का कोई दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेगा। बल्कि लग्न का स्वामी कहीं भी बैठा हो कुंडली के अंदर वो सदैव आपको शुभ फल ही देता है। ये बात अलग है कि 6, 8, 12 में बैठकर उसका बल थोड़ा कम हो जाता है जिसके कारण से अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलते। कि मांगलिक कुंडली यदि आपकी बनती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी कुंडली दोषपूर्ण कुंडली हो गई है। समझना जरूरी है कि वो मंगल योग जो बन रहा है, मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। यदि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर है, वो मारक नहीं है, तो इस मंगल दोष को लेकर के कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि मान लीजिए मंगल कुंडली के अंदर मारक की भूमिका में है और फिर मांगलिक कुंडली बनती है तब निश्चित तौर पर आपके लिए चिंता का विषय है और ऐसे में आपको मंगल दोष के उपाय भी जरूर करने चाहिए। ऐसी जातक की कुंडली में यदि मंगल दोष बन रहा है जिनकी कुंडली के अंदर मंगल मारक है, ये कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है कि किसकी कुंडली में मंगल मारक या कारक होंगे। वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं समझा पाऊंगा, वो नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर है जिससे तय होता है कि मंगल किस कुंडली में योग कारक बनेंगे, किस कुंडली में मारक बनेंगे, वो अलग विषय है। लेकिन यदि मान लीजिए ये डायग्नोस हो जाता है कि आपकी कुंडली में मंगल मारक की स्थिति में है तो ऐसे में आप निश्चित मानिए कि आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। और उसका सबसे साधारण, सबसे सरल उपाय है कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइए, एक लड्डू का प्रसाद या कोई भी मीठा प्रसाद लेकर के 5 रुपए दक्षिणा और एक हनुमान चालीसा की किताब आप साथ में ले जाइए। वो भगवान को भेंट करके वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। इतना सा भी यदि आप करते रहेंगे और काफी लंबे समय तक आप अगर ये करते रहेंगे तो आपका मंगल दोष यहां पर ठीक हो जाएगा और वो मंगल आपको परेशान ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन ये उपाय कम से कम आपकी शादी से 3-4 वर्ष पहले से आपने शुरू कर देने चाहिए ताकि आपके विवाह के समय तक मंगल दोष पूरी तरह से ठीक हो जाए। अगर मात्र इतना सा भी आप उपाय करेंगे तो आपको मंगल दोष से मुक्ति का साधन जरूर मिल जाएगा। और ऐसे में
ये गलती कभी ना करें कि बिना कुंडली मिलाए हम शादी कर लें। यदि मान लीजिए आपके पास आपकी जन्म पत्री नहीं है, जन्म का समय नहीं पता है आपको, तो फिर क्या करें? तो ऐसे में आपको ये भी पता नहीं होगा कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बनता है, तो फिर इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं है, तो सिंपल साइकोलॉजिक है कि आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा का यदि पाठ भी करेंगे, और मान लीजिए आप हिंदुस्तान से बाहर कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां हनुमान जी का मंदिर आपके आसपास नहीं है, तो आप अपने घर पर भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा केवल मंगलवार को, शनिवार को नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मंगल दोष की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि आप मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ यदि घर पर या मंदिर में जाके करते हैं, तो यहां पर मंगल दोष से बाहर निकलने का रास्ता आपको जरूर मिलेगा। थोड़े समय के बाद में आपकी कुंडली मांगलिक दोष से मुक्त हो जाएगी और मंगल आपको उतना डैमेज नहीं करेंगे जितना वो इन उपायों को बिना करे करते आपको। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मंगल दोष को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि ये ना पता लग जाए कि आपकी कुंडली के अंदर मंगल मारक है। यदि मंगल मारक है तो विलंब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेकर के मंगल के उपाय जरूर करने चाहिए। और एक चीज, मंगल के उपाय के लिए आपको कोई हजारों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़े हवन अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप खुद भी हनुमान जी के मंदिर जाकर के सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ करके भी आप उस मंगल दोष से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेशन वाला होगा, आपको मंगल दोष के संदर्भ में जो भी आपकी भ्रांति थी या कोई परेशानी थी या संशय था आपका, वो जरूर दूर हुआ होगा। अमूमन मांगलिक दोष को लेकर के आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए यदि आपकी कुंडली मेष लग्न की है, कर्क लग्न की है, वृश्चिक लग्न की है, धनु लग्न की है, मीन लग्न की है, तो आप अपनी कुंडली को एंजॉय कीजिए। अगर आपकी कुंडली मांगलिक बनती भी है तो आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपको इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी, मंगल आपको अच्छा रिजल्ट जरूर दे देंगे। तो अगले किसी वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के सामने आपके सामने मैं जरूर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।